मैक्सलिंक का एमटीके एंड्रॉयड कार स्टीरियो ये 360 को भी सपोर्ट करता है। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको किसी भी स्टीरियो में आप स्प्लिट स्क्रीन कैसे कर सकते हो। इसके अलावा भी दूसरा कोई स्टीरियो होगा एमटीके का या फिर T5 का कोई भी, तो उसमें आप स्प्लिट स्क्रीन कैसे कर सकते हो। तो स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए आपको दो टास्क चाहिए होगा, जैसे कि आप मैप को भी यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब को भी यूज़ कर रहे हो, तो इस टाइप से दो टास्क चाहिए होगा। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ टास्क बटन से, टास्क ओपन है या नहीं। यहाँ पर यूट्यूब ओपन है, यदि नहीं होगा तो आप ओपन करना कर लेना एप्लीकेशन से। और एक मैप को भी मैं ओपन कर ले रहा हूँ। आप किसी भी दो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, मैं यूट्यूब और मैप को यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये ओपन हो जाएगी तो आप टास्क बटन पर क्लिक करना, और इस टाइप से जब आ जाएगी ऑप्शन सारे टास्क जब ओपन रहेगा तो आपको जो भी एप्लीकेशन को लेफ्ट एंड राइट में रखना है तो उसकी ऊपर की जो टॉप ये टॉप सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। टॉप सेक्शन पर क्लिक करना है और लेफ्ट और राइट ड्रैग करना है। यदि इस प्लेयर में, वैसे स्प्लिट स्क्रीन के लिए अंदर से ऑप्शन भी होती है, वहाँ से क्लोज है अभी क्योंकि ये आ नहीं रहा ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन के लिए। सबसे पहले मैं ऑप्शन को इस प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ये 360 प्लेयर की बात कर रहा हूँ। इसमें ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा कार सेटिंग से, कार सेटिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है फैक्ट्री सेटिंग में, फैक्ट्री सेटिंग, और पासवर्ड टाइप करना है 4x8 ओके। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा स्प्लिट स्क्रीन, क्लोज है, इसको ओपन कर लेना है, स्प्लिट स्क्रीन मोड ओपन। और उसके बाद मैं होम पे चला जाता हूँ, देन टास्क बटन, और फिर मैप्स को यहाँ पर आप ड्रैग करोगे ये राइट साइड में मैप आ गई। फिर यहाँ पर टास्क में जिस पर भी ओपन करोगे वो यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्प्लिट स्क्रीन हो चुकी है, और आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यदि आपको किसी भी लेफ्ट और राइट की जो टास्क है विंडो है इसको आपको फुल स्क्रीन में किसी को भी करना है तो बीच में एक वाइट सा वर्टिकल लाइन है छोटा सा, इस पर क्लिक करना है और इधर ड्रैग करना है तो उसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, या साइज छोटी बड़ी कर सकते हो टास्क की, ये इस टाइप से पूरा खींच देने पर ये फुल स्क्रीन में आ जाएगी। जिस साइड से खींचोगे उसके दूसरी साइड की जो टास्क है।